हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जी एस वाई दिवाकर। यहाँ पे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जिसमें आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छुक है तो निश्चित तौर पर आप ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आप किसी विषय से संबंधित, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, यानी किसी भी विषय का अगर आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर व्याख्याता का कोई भी इंटरव्यू जो आपका विषय से संबंधित हो, तो निश्चित तौर पे आप इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हमने ये पूरा जो अभी 47 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जो पूछे जा रहे प्रश्न हैं आयोग के एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, क्या इसमें विशेषज्ञता जरूरी है या नहीं जरूरी है, सभी विषयों पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। चाहे आपका विषय कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आयोग में क्या है कि हिस्ट्री का जो इंटरव्यू चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, न केवल यहाँ पे आपका प्राचीन इतिहास, बल्कि आपको अदर कोई भी सब्जेक्ट का, अभी भी देखिए मेडिकल का पहले हुआ इंटरव्यू, मेडिकल में भी यही चीज़ें थी कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट थे वो विषय से संबंधित प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। ठीक, तो साक्षात्कार में पूछा कश्मीर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका करंट से रिलेटेड जो चर्चित मुद्दे हैं उसमें भी पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ज्योग्राफी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप 370 35A, अगर आप पॉलिटी का भी देने जा रहे हैं तो भी आप इसको ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि ये तीनों के अंतर्गत इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या 370 और 35A का प्रश्न आपका पॉलिटी में भी, यानी पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में, और देख रहे हैं आप हिस्ट्री में, तो उसका पूछा गया है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देश भर में कश्मीर का मुद्दा चर्चा में है, क्या कश्मीर का ऐतिहासिक महत्व है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये प्रश्न किए गए भावी असिस्टेंट प्रोफेसरों से। ठीक, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, ये आपका 47 है वैकेंसीज, यानी कि विज्ञापन संख्या 47 है। तो सोमवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा, यानी कल का ये लोक सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या 47 के तहत द्वितीय चरण का साक्षात्कार शुरू हो गया है। साक्षात्कार के लिए अर्थशास्त्र 1 और 2, प्राचीन इतिहास 1, पादप 1, पादप रोग 1 के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। प्राचीन इतिहास के अभ्यर्थियों से कश्मीर के इतिहास के बारे में पूछे गए प्रश्न, किसी का वह जवाब दे सके और किसी ने जवाब नहीं दे पाए। ठीक, और यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों से भारत की धार्मिक विविधता से जुड़े भी प्रश्न पूछे गए, क्योंकि वर्तमान समय में भारत सरकार, यानी जो भारत सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा फोकस है धार्मिक स्थलों या इस धार्मिक चीज़ों पे ही ज़्यादातर दी जा रही है, तो उसी के संदर्भ में देखिए जो चीज़ चर्चित मुद्दे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न आपका उसी से बन रहे हैं। जबकि अर्थशास्त्र के अभ्यर्थियों से बैंकों के विलय के फायदे व नुकसान के बारे में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, बैंकों के विलय के फायदे और नुकसान, अभी आपने देखा कि जस्ट कुछ दिन पहले ही जो RBI की 5 और बैंक थी सहयोगी बैंक, उसको भी मर्ज कर दिया गया और विभिन्न बैंकों को मर्ज करके एक बैंक में शामिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं कि जो नेक्स्ट आपका साक्षात्कार होगा आज का दिन, यानी कि मंगलवार को, आज किस विषयों का साक्षात्कार है, अर्थशास्त्र का और प्राचीन इतिहास का, पादप रोग का। ठीक, 17 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए इसमें बुलाया गया है, ज़्यादातर नहीं, केवल 17 लोगों को बुलाया गया है। ठीक, तो इसका जो आज का जो प्रश्न है वो आपको कल प्रोवाइड कराया जाएगा कि आज क्या पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट के हों आप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इतिहास के स्रोत क्या हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत। तो 2 स्रोत नॉर्मली आप जानते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। ठीक, अब अगर आप इसमें प्रश्न में बता रहे हो कि पुरातात्विक स्रोत, तब उनका ये प्रश्न हो जाए पुरातात्विक में क्या, फिर साहित्यिक स्रोत में क्या आप बता रहे हैं, तो साहित्यिक स्रोत में क्या है जिससे हम लोग इतिहास जानते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो यहाँ के यात्रियों के विवरण रहे हैं और भारत के धार्मिक ग्रंथ हैं उसके द्वारा यहाँ पे पता चलता है। पुरातात्विक विवरण में आपका जो यहाँ पे खुदाई वगैरह हुई है और जो धम्म अभिलेख ये सब पाए जाते हैं, तो इससे आपका पुरातात्विक स्रोतों का पता चलता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि भारत के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में, हर्षवर्धन के कार्यकाल की क्या खासियत रही है,
सम्राट अशोक का खास काम क्या है, अशोक का धर्म का क्या महत्व है। ठीक, देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अगर इसको आप किसी और सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे प्रश्न बन रहा है वह आपका किस बहुत डीप नहीं प्रश्न बन रहा है, लेकिन ये व्यवहारिक प्रश्न है और साथ ही साथ ये ऐसा प्रश्न है जिससे आपकी वो अवकलन कर लेते हैं, यानी सॉरी आकलन कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट में नॉलेज का। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने हर्षवर्धन के काल को पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आप बता सकते हैं कि उसके काल की मुख्य खासियत क्या है, अशोक के खास काम क्या है। इसी तरह से अगर ज्योग्राफी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे निश्चित तौर पे आप चर्चित मुद्दे को ध्यान में रखिएगा, साथ ही साथ आप उसमें कुछ थ्योरीज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट बैठते हैं ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वान थ्यूनिन वगैरह की थ्योरी आप देख लीजिएगा, वेबर की लोकेशन थ्योरी देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है बन रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी से आपका बनने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप इंटरव्यू देने गए होंगे कहीं ना कहीं तो ह्यूमन ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन बनते हैं, जबकि फिजिकल ज्योग्राफी से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। आपका प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, बिग बैंग थ्योरी हो गई, और साथ ही साथ जैसे महाद्वीपीय विस्थापन वगैरह भी पूछते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार से रिलेटेड पूछ लेंगे। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कुछ थ्योरीज को भी आप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से आप पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ थ्योरीज को ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपके चर्चित मुद्दे, बहुत ज़्यादा थ्योरी या डीप बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, अगर आपको भी ये प्रश्न आते हैं तो निश्चित तौर पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने योग्य हैं। ठीक, तो निश्चित तौर पर आपको ये जानना चाहिए, और आप जिस भी विषय से रिलेटेड है उसको आप प्रॉपर देखिएगा।